हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज अक्षय सोनी, रीजनिंग फैकल्टी एट अभिपीडिया, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेटमेंट इनइक्वालिटीज, जिसको कंपैरिजन टॉपिक भी बोला जाता है। कंपैरिजन होता है इसमें, ठीक है। कंपैरिजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एज में कंपैरिजन हो सकता है, हाइट में कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है, वेट में कंपैरिजन हो सकता है, और इवन मार्क्स में भी कंपैरिजन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सेल में कंपैरिजन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे आपको जो है मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप इसमें नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं विद इन 4999 में, ठीक है, 4999, मतलब 5000 में आप इसमें तैयारी कर सकते हैं। आपको 20,000 पे नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है इसमें, तो डू एनरोल। साथ ही साथ मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन को हम डिस्कस करते हैं। कंपेयर जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीन पेन है, ठीक है, पेन ए, पेन बी, पेन सी। जब हम दो चीजों का कंपेयर करेंगे तो दो चीजों का कंपेरिजन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लो इनकी हमने क्वालिटी चेक करनी है, कौन सा अच्छा लिखता है, ठीक है, तो ए जो है बी से बेटर है, तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये बेटर वर्ड आएगा, ठीक है। तो ईआर वर्ड जो है वो क्या बता रहा है, ये ईआर जो होगा ये बताएगा कंपैरिजन बिटवीन टू, ठीक है। और जब आपको इन तीनों में कंपैरिजन करना है, मान लीजिए ए ही सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा वर्ड मतलब ये जो है बेस्ट है, ठीक है, तो ईएसटी वर्ड आपको देखने को मिलेगा मोर देन टू थिंग्स, ठीक है, दो से ज्यादा। जैसे कि अगर हम बात करें कि मान लो पांच लोग हैं, उसमें से उनकी अलग अलग हाइट है, जो सबसे ज्यादा हाइट वाला होगा उसको बोलेंगे टॉलेस्ट, और जो सबसे कम हाइट का होगा उसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट। इसी तरह से अगर मान लीजिए कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे 7 स्टूडेंट हैं, उनके अलग अलग मार्क्स हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला होगा वो आएगा उसमें हाईएस्ट मार्क्स वाला, ठीक है, और जो सबसे कम वाला होगा उसको बोलेंगे लोएस्ट मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ईएसटी वर्ड जो कि दो से ज्यादा चीजों में कंपेरिजन होगा, और जिसमें कि दो चीजों में कंपेरिजन होगा उसमें क्या बताया गया आपको, ER वर्ड देखने को मिला, जैसे कि longer, taller, higher, ठीक है, bigger, इस तरह के वर्ड होंगे, ठीक है। उसी तरह से अगर जैसे एज में कम होगा तो क्या बोलेंगे, younger, ठीक है, एज में ज्यादा होगा उसको older बोल देंगे, तो ऐसे करके आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, और हमें इसको किस तरह से करना है मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन से ही आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे इसमें गिवन है कि देयर आर 5 पर्सन इन ए ग्रुप विच In which Roshan is taller than Hardik, who is shorter than Sushil. तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, देखिए इसमें बोला गया 5 लोग हैं एक ग्रुप में, जिसमें कि रोशन जो है टॉलर है हार्दिक से, और हार्दिक के जस्ट बाद यहाँ पे हु वर्ड देखने को मिल रहा है। ये जो हु वर्ड है ये क्या बताता है, हु वर्ड बताता है कि जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जिस नाम के आगे हु वर्ड आएगा उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट सेंटेंस होगा। देखिए इसको अगर हम हिंदी में समझें कि रोशन जो है टॉलर है हार्दिक से, और हार्दिक अपने आप शॉर्टर किससे, सुशील से, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, ठीक है, जो ज्यादा इसमें होगा हाइट का होगा, ये ज्यादा जो होगी चीज है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर, हायर हम ऊपर करेंगे, ठीक है, और लोअर क्या आएगा, लोअर आएगा नीचे, ठीक है। अब देखिए रोशन इज टॉलर देन हार्दिक एंड हार्दिक हिमसेल्फ जो है इज लेस देन, इज शॉर्टर देन सुशील, तो ये सुशील से क्या है, छोटा, ठीक है। आगे देखें, निशा इज टॉलर देन हैरी बट शॉर्टर देन हार्दिक,
यहाँ पे हमें देखिए ये जो बट वर्ड मिल रहा है इसका मीनिंग क्या है। देखिए क्या होता है, हम जो है सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो है इसी की रिगार्डिंग क्या है, इसका सेकंड पर्सन से कंपैरिजन है, और इसी फर्स्ट पर्सन का जब यहाँ पे बट या एंड वर्ड होगा तो उसमें क्या होगा, उस केस में इसी फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन से भी कंपैरिजन दिया। जैसे निजा टॉलर है हैरी से पर हार्दिक से छोटी है हाइट में, तो क्या करेंगे, निजा को यहां पे रख लेंगे, हार्दिक से छोटी है और हैरी से बड़ी है, हाइट में ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है यहाँ पे सुशील इज शॉर्टर देन रोशन, सुशील जो है शॉर्टर है रोशन से। तो देखिए हार्दिक से हाइट में ज्यादा था सुशील और रोशन से क्या है, हाइट में छोटा है सुशील। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमें पूछा गया कि हु इज शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन बन रहा है, शॉर्टेस्ट बन रहा है इसमें हैरी, ऑप्शन सी। ठीक है, बट अगर आपको पूछ लिया जाए इसमें कि टॉलेस्ट कौन सा है, तो टॉलेस्ट कौन सा बन रहा है, रोशन। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको पूछ लिया जाए इसमें कि हु इज शॉर्टर देन ओनली वन, तो इसका क्या मीनिंग होगा, आपने ओनली वर्ड को समझना है, क्योंकि ओनली जो होती है एक कंडीशन है कि मतलब सिर्फ एक से ही छोटा है, सिर्फ एक से छोटा कौन बन रहा है। देखिए जैसे अगर हम हैरी को देखें तो ये चार से छोटा है, अगर निजा को देखें तो तीन से छोटा है। ठीक है, हार्दिक को देखें दो से छोटा है, सुशील को देखें तो सिर्फ एक से छोटा है, तो उसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सुशील। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है ये भी आपको समझ आ चुका। आगे अगर हम देखें क्वेश्चन को, देखिए इसमें गिवन है कि अमंग फाइव बॉयज बसंत इज टॉलर देन मनोहर बट नॉट एज टॉल एज राजू। एज टॉल एज का क्या मीनिंग है, पहले ये समझेंगे, एज टॉल एज का मीनिंग है इक्वल। ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज आएगा तो उसको क्या होगा, उसका मीनिंग होगा लेस देन। ठीक है, आपने इस चीज को आपने लेके चला। ठीक है, वसंत टॉलर है किससे, वसंत इज टॉलर देन मनोहर, तो ये वसंत है जो कि मनोहर से टॉलर है। ठीक है, पर राजू जितना टॉलर नहीं है। ठीक है, यही वसंत राजू से क्या होगा, राजू से छोटा होगा, राजू से कम आएगा। आगे है जयंत इज टॉलर देन दत्ता बट शॉर्टर देन मनोहर, जयंत जो है टॉलर है दत्ता से बट शॉर्टर किससे, मनोहर, मनोहर हमारे पास है, तो ये जयंत आ जाएगा जो कि दत्ता से टॉलर है और मनोहर से छोटा है, तो ये बन गया। अब इसमें टॉलेस्ट पूछेंगे तो राजू, शॉर्टेस्ट पूछेंगे तो दत्ता, अगर ऐसा पूछ लिया जाए हु इज टॉलर देन टू एंड शॉर्टर देन टू, तो उसके केस में क्या आएगा, मनोहर, जो कि अभी आपका क्वेश्चन क्या था इसमें टॉलेस्ट था, टॉलेस्ट कौन सा बन रहा है, राजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे दिया गया है सिक्स पर्सन है और उसमें इनका वेट दिया गया है, हैवियर और लाइटर क्या होता है, वेट में आएगा। जैसे कि इसमें सिक्स पर्सन है, इनके डिफरेंट वेट है, पी इज हैवियर देन यू बट लाइटर देन क्यू, पी हैवियर है यू से पर यही पी लाइटर किससे है, क्यू से। नेक्स्ट है टी इज हैवियर देन आर बट लाइटर देन पी, टी हैवियर है आर से पर यही टी लाइटर है पी से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहां पे पी के रिगार्डिंग दो पॉइंट बन रहे हैं, आगे अगर आप देखेंगे क्यू इज लाइटर देन एस, क्यू लाइटर है किससे, एस से। अब देखिए पी के रिगार्डिंग हम यहां पे भी कर लेते, क्यू इज लाइटर देन एस, इसमें कितने पर्सन आगे, इसमें पांच आगे, इसमें सिर्फ चार है। ठीक है, आगे देखें इसमें आर इज नॉट द लाइटेस्ट, अगर हम लाइटेस्ट की बात करें तो आर लाइटेस्ट नहीं, मतलब एंड में नहीं बनेगा। ठीक है, इसने सभी को रोक दिया, तो जब सभी रुक गए तो उसका केस, इसका मतलब है कि पी के रिगार्डिंग कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सॉरी यू के रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, आर के नीचे कर देंगे। अब सिक्स पर्सन आ चुके हैं, इनकी हाइट आपको गिवन है, ठीक है, इस सीक्वेंस में आएगी। अब आगे है सेकेंड लाइटेस्ट पर्सन जो है वो 52 केजी का है, ये बना लाइटेस्ट, ये बना सेकेंड लाइटेस्ट, ये बना 52 केजी का, एंड थर्ड हैवीएस्ट जो है वो 64 का है, हैवीएस्ट सेकेंड हैवीएस्ट थर्ड हैवीएस्ट ये 64 का है। अब देखिए जो टी है ये 52 से ज्यादा होगा और 64 से कम होगा, सिमिलरली जो क्यू और एस है ये 64 से ज्यादा होंगे, अगर यू की बात करें तो 52 से कम आएगा। तो उसमें से क्या पूछा गया है,
कि who among the following may be of 58 kg in weight. तो 52 से ज्यादा, 64 से कम, 58 इसी में लाई कर रहा है, तो किसका बनेगा? टी का वेट बनेगा. ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि 6 persons, इनके नाम दिए गए हैं, इन्होंने डिफरेंट जो है मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एग्जाम में. बोला गया कि पी ऑब्टेन मोर मार्क्स देन ओनली टू पीपल. पी ने सिर्फ दो ही मार्क्स पर्सन से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए, तो क्या आएगा? नीचे से तीसरी, तो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन पे पी आएगा. नीचे से तीसरा, सिर्फ दो से ही ज्यादा ऑब्टेन किया. क्यू ऑब्टेन मोर मार्क्स देन एस बट नॉट द हाइएस्ट. क्यू जो है एस से तो ज्यादा ऑब्टेन किया बट हाइएस्ट नहीं है. और आगे देखिए, यू ऑब्टेन मोर मार्क्स देन ओनली आर. इसका क्या मीनिंग है? यू ने सिर्फ आर से ही ज्यादा मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं, तो यू इधर आएगा और आर इधर आएगा. और आगे देखें, अब ये तीन पर्सन है, नीचे से आपका ये है, ये आ गया सिक्स्थ, ये आ गया फिफ्थ, ये आएगा फोर्थ. ठीक है, ऊपर के तीन पर्सन है उनको हमें फिट करना है, जिसमें कि यू ने ऑब्टेन किए हैं मार्क्स एस से ज्यादा. ठीक है, बट ये हाइएस्ट नहीं है, तो उसका मीनिंग है कि सबसे ऊपर कौन आएगा? सबसे ऊपर टी आया फिर. ठीक है, अब आगे देखें इसमें, द वन विद द सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन 480. ये हाइएस्ट है, सेकेंड हाइएस्ट ये है. ठीक है, तो उसके मार्क्स कितने आए? 480. ठीक है, सिमिलरली आप अगर हम यहाँ पे देखें, द वन विद द सेकेंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन 350. ये लोएस्ट है, सेकेंड लोएस्ट ये बना, तो इसने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 350. अब आप देखें यहाँ पे बीच में आपको गैप देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या गया? 350 से ज्यादा, 480 से कम. ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे जो गैप है, इसमें हो सकता है कि 400 मार्क्स आए, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, हु पॉसिबली ऑब्टेन 400 मार्क्स. तो इसमें क्या आंसर आएगा? इसमें आएगा, देखो, या तो पी ऑब्टेन करेगा 400 या फिर एस, तो दोनों में से कोई एक, तो आइदर और करके ऑप्शन है, आइदर एस और पी ऑब्टेन दी 400 मार्क्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. गिवन है यहाँ पे 7 पर्सन है, इनके नाम दिए गए हैं, आर सेलिंग बुक्स इन ऑर्डर. ठीक है, कोई जो है इन्होंने बुक्स को सेल किया है. ए सेल मोर बुक्स देन जी एंड डी बट लेस देन ई. ए जो बुक सेल कर रहा है वो जी और डी से ज्यादा सेल कर रहा है. ठीक है, ए जी और डी से ज्यादा सेल कर रहा है बट किससे कम सेल कर रहा है? ये ई से कम सेल कर रहा है, तो 4 पर्सन आ गए. ठीक है, नेक्स्ट है सी सेल मोर बुक्स देन एफ. सी एफ से ज्यादा बुक सेल करता है. और आगे है डी इज नॉट द थर्ड लोएस्ट पर्सन इन ऑर्डर. ठीक है, जी डी जो है थर्ड लोएस्ट नहीं है, नीचे से अगर काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर पे नहीं आएगा. डी एंड जी आर नॉट द लोएस्ट पर्सन, ये लोएस्ट भी नहीं बन रहे. बी इज द सेकेंड लोएस्ट पर्सन, बी जो है सेकेंड लोएस्ट है, तो नीचे से अगर हम देखेंगे तो बी इधर आएगा, एक यहाँ पे स्पेस रहता है. अब देखिए ई हाइएस्ट नहीं बन रहा, बी लोएस्ट नहीं बन रहा, तो क्या होगा? सी आएगा इसमें हाइएस्ट और एफ बनेगा इसमें लोएस्ट. ठीक है, अगर हम देखें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे डी नहीं होगा, तो इस जगह पे डी नहीं होगा, तो इस जगह पे कौन बनेगा? इस जगह पे बनेगा जी और इस जगह पे बनेगा डी. ठीक है, तो इसमें जो बोला गया यहाँ पे कि ई डज नॉट सेल द हाइएस्ट, ये भी इसमें बोला गया, ये हमने कर लिया यहाँ पे. द थर्ड लोएस्ट पर्सन सेल 26 बुक्स एंड ई सेल 50. ये करता है 50 बुक्स और थर्ड लोएस्ट, ये लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, ये करता है 26 बुक्स. जी 26 बुक्स को सेल करता है, देन हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ बुक्स आर सोल्ड बाय सी. सी की बुक्स कितनी आएंगी? 50 से ज्यादा चाहिए हमें. 50 से ज्यादा कौन बन रहा है? ये तो नहीं बन रहा है, पॉसिबल बोला है ना, तो पॉसिबल ये तो बन सकता है ना, ऑप्शन सी इसमें आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इस क्वेश्चन में गिवन है कि 6 वायर्स हैं एक टेबल में. ठीक है, इनके नाम दिए गए हैं, दे हैव डिफरेंट लेंथ्स बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. ई इज ग्रेटर देन सी बट लेस देन डी. ठीक है, डी एंड डी, ई जो है ग्रेटर है सी से पर किससे कम है? डी और बी से कम है. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा ऑर्डर. आगे है ए इज ग्रेटर देन डी एंड बी, ए ग्रेटर है डी और बी से. ए इज नॉट द लॉन्गेस्ट वायर, ए लॉन्गेस्ट नहीं है, तो कौन सा आएगा इसमें? अगर हम सीक्वेंस में देखें तो कौन सी इसमें से लॉन्गेस्ट बनेगी? लॉन्गेस्ट बनेगी इसमें एफ. ठीक है, तो एफ लॉन्गेस्ट है, एफ ए
बी स्लैश डी, डी स्लैश बी, ठीक है, ई और सी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एफ अगर 13 सेंटीमीटर, एफ अगर 13 सेंटीमीटर है और ई जो है 4 सेंटीमीटर, ई 4 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इफ डी इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लेस देन एफ, देन व्हाट वुड बी इट्स लेंथ। तो डी की अगर लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर कम है किससे, एफ से, एफ की जो है लेंथ कितनी है 13, तो डी की क्या होगी, इससे 5 कम कर दो 8, 8 उसकी लेंथ बनेगी, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी बनेगी, उसकी लेंथ बनेगी इसमें 8, ठीक है। तो इससे जो है कोई ज्यादा इसमें चेंज नहीं है, 5 सेंटीमीटर कम थी। इसको बनाने के अरेंजमेंट बनाने तक की इसमें जरूरत नहीं थी, बट हमने इसको बना लिया है। आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 5 जो है इसमें पर्सन दिए गए, इनके नाम दिए गए हैं। बोला गया है द वन हु इज टॉलेस्ट इज नॉट यंगेस्ट, जो टॉलेस्ट है वो यंगेस्ट नहीं है। तो इस तरह से इसमें दिया गया है कंपैरिजन, जिसमें कि एक तरफ इसमें हम एज को कर लेते हैं, ठीक है, यंगेस्ट मतलब एज में और टॉलेस्ट मतलब हाइट, ठीक है। और 5 लोग हैं तो 5 लोगों का हम यहाँ पे सीक्वेंस बना लेंगे, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पे पर्सन बन जाएंगे, ठीक है। ये जो सबसे नीचे होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा यंगेस्ट, और सबसे ज्यादा हाइट का होगा वो बनेगा ओल्डेस्ट। इसी तरह से सबसे ज्यादा हाइट का टॉलेस्ट और सबसे कम हाइट का शॉर्टेस्ट। अब इसमें देखिए, कुणाल इज ओल्डर देन ओनली हरीश, कुणाल सिर्फ हरीश से ही ओल्डर है, तो कुणाल की पोजीशन क्या आएगी, कुणाल आएगा 4th नंबर पे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हरीश से ही ज्यादा एज का है, ठीक है, उसी से ज्यादा एज का है। और सौरभ इज ओल्डर देन राहुल बट शॉर्टर देन ही, सौरभ जो है ओल्डर है राहुल से, ठीक है। तो सौरभ नाम का जो पर्सन है वो राहुल से ओल्डर बना, पर ये एज में आ गया, हाइट में क्या होगा, राहुल इस पर्सन से सौरभ से ऊपर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओनली वन पर्सन इज टॉलर देन राहुल, सिर्फ एक ही पर्सन टॉलर है राहुल से, तो राहुल की पोजीशन कहां पे बनेगी, राहुल बनेगा इधर, ठीक है। हाइट में अगर हम देखें तो राहुल 2nd नंबर पे बनेगा ऊपर से, ठीक है, सिर्फ एक ही पर्सन है टॉलर, तो वो कोई भी बन सकता है। आगे देखें, अनुज इज द शॉर्टेस्ट व्हाइल यंगर देन सौरभ एंड राहुल, अनुज शॉर्टेस्ट है, हाइट में सबसे नीचे आएगा अनुज, जबकि शॉर्टर जो है एज में किससे कम है, सौरभ और राहुल से, सौरभ और राहुल इसी तरह से सीक्वेंस में आएंगे। उसके नीचे कौन बनेगा, उसके नीचे बनेगा अनुज। अगर हम एज की बात करें तो एज में हमने सेट कर दिया सभी को, अब हम हाइट की बात करते हैं। ओनली 2 men आर शॉर्टर देन सौरभ, हाइट में अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही पर्सन होंगे सौरभ से हाइट में कम, ठीक है। और आगे देखिए इसमें हूज रैंक इसमें पूछा गया, देखिए एक इसमें लास्ट पॉइंट है, हमें क्या करना है, हाइट में इसमें प्लेस करना 2 पर्सन को, कौन कौन से, एक तो है कुणाल एक है हरीश। बट अगर हम देखें इसमें कुणाल और हरीश के बारे में, तो उसमें बोला गया जो जो इसमें यंगेस्ट है वो टॉलेस्ट नहीं बन सकता, ठीक है। पहला ही पॉइंट है द टॉलेस्ट इज नॉट यंगेस्ट, ठीक है, उसका वाइस वर्सा भी होगा कि जो यंगेस्ट होगा वो टॉलेस्ट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे हरीश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कुणाल, और नेक्स्ट है इसमें जो हरीश होगा इस पोजिशन पे बनेगा। अगर हम बात करें इसमें इसके ऑर्डर की, तो इसमें से हाइट में कौन बना, कुणाल राहुल सौरभ हरीश हर्ष एंड अनुज। तो उसमें बोला कि हूज रैंक विल रिमेन सेम इफ ऑल ऑफ देम अरेंज इन द असेंडिंग एंड देन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, इनकी हाइट के अकॉर्डिंग, पहले असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर बना जैसे छोटे से बड़ा, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। तो उसमें जो होगा सौरभ की पोजिशन सेम रहेगी ना, इसका कोई भी चेंज नहीं आएगा, ऊपर से भी तीसरा नीचे से भी तीसरा, तो इसमें जो होगा ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा जिसमें कि 2 चीजों का कंपैरिजन दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम में यूजुअली देखने को मिल जाता है, इस तरह का 3 नंबर का भी बन सकता है, 5 नंबर का भी। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है हम इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें गिवन है कि कोई इंफॉर्मेशन दी है इसमें नीचे, उसको हमें रीड करना है। जैसे कि पहली इंफॉर्मेशन है कि 7 स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, टेक अ सीरीज ऑफ टेस्ट, ठीक है। फिर है नो 2 स्टूडेंट गेट सिमिलर मार्क्स, पहले में बोला गया कि 7 लोग हैं, इन्हों के टेस्ट सीरीज ली और उसमें
किन्हीं भी दो स्टूडेंट के सिमिलर मार्क्स नहीं है, मतलब सभी के डिफरेंट मार्क्स आए, वी ऑलवेज स्कोर मोर देन पी, पी ऑलवेज स्कोर मोर देन क्यू। वी का स्कोर जो होगा वो हमेशा, वी का स्कोर पी से ऊपर आया है और पी का स्कोर हमेशा क्यू से ऊपर आया है, ठीक है। मतलब इनमें गैप भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा इसमें याद रखना है कि इसमें फॉलो होगा। और आगे इसमें है, ईच टाइम आइदर आर स्कोर द हाइएस्ट एंड टी गेट्स लीस्ट। देखिए इसमें आइदर और क्या होता है, आइदर और होता है कि दोनों में से एक। तो इसमें आइदर बोला है कि आइदर आर स्कोर द हाइएस्ट, हर बार या तो आर करेगा स्कोर हाइएस्ट और उस केस में टी करेगा सबसे कम स्कोर, ठीक है, या इसका अल्टरनेट एस स्कोर करेगा हाईएस्ट और उस केस में यू या क्यू में से, दोनों में से कोई एक जो है कम स्कोर करेगा। तो देखिए इसमें क्वेश्चन भी यहां पे गिवन है साथ ही साथ कि इफ वी रैंक फिफ्थ, अगर वी का रैंक हो फिफ्थ तो हमें क्या करना है, इसका ध्यान रखना है, नो टू स्टूडेंट गेट सिमिलर मार्क्स। तो हमें क्या करना है, सात लोगों को बनाना है, एक दो तीन चार पांच छह, तो इनकी पोजिशन बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया कि V का रैंक कौन सा है, V का रैंक है फिफ्थ, ठीक है। अगर हम सीक्वेंस को याद रखें तो V के नीचे कौन आएगा, P, P ऊपर नहीं आ सकता, और P के नीचे कौन आएगा, Q, Q भी ऊपर नहीं बन सकता। तो उसका मीनिंग है कि अगर Q सबसे नीचे है तो उस केस में क्या होगा, S जो कि हाईएस्ट स्कोर करेगा उस केस में क्या होगा, या तो U या फिर Q सबसे नीचे होगा। तो Q जब सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर कौन आएगा, S। तो देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू होनी चाहिए, यहाँ पे कौन सी जरूरी है उसका होना, तो पहला देखिए एस स्कोर दी हाईएस्ट, ये पहला ही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि इफ एस रैंक्ड सेकंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू हो सकता है, मतलब उसमें पॉसिबिलिटीज आ रही है, ठीक है। अगर एस का रैंक सेकंड है, अगर एस का रैंक सेकंड है तो उसका मीनिंग है कि आर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया हुआ, इसमें दो ही कंडीशन थी, या तो एस सबसे ज्यादा स्कोर करेगा या फिर आर। तो एस का सेकंड रैंक है तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका बनेगा, आर का। तो इसी तरह से हम सात लोगों के लिए पोजीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसमें देखिए एस का सेकंड नंबर है, सबसे ऊपर कौन आएगा, आर, सबसे नीचे कौन होगा, टी। अब देखिए इनमें से कौन सा बनेगा, अगर हम इसको देखें कि पी का जो है रैंक्स, पी ने ज्यादा स्कोर किया है आर से, तो ये तो गलत होगा, पी गेट्स मोर देन आर, गलत है क्योंकि आर से किसी का ऊपर नहीं है। वी गेट्स मोर देन एस, एस से सिर्फ एक ही ऊपर है वो है आर, तो वो भी गलत है। पी गेट्स मोर देन एस, पी का स्कोर जो है एस से ज्यादा, वो भी गलत है क्योंकि आर का स्कोर ही ज्यादा है, तो कौन सा आएगा, यू गेट्स मोर देन बी, ठीक है। यू कहीं पे भी आ सकता है, इन जगह पे कहीं पे भी है, उसके नीचे भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी कौन सी बन रही है, फोर्थ ऑप्शन इसमें आंसर बन रहा है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ एस इज रैंक सिक्स्थ क्यू इज रैंक फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी वाला केस है, तो इसमें भी हम सेम उसी मैनर में डिस्कस करेंगे। देखिए एस का रैंक कौन सा है, एस का रैंक है सिक्स्थ, क्यू का रैंक है फिफ्थ, और इस केस में सबसे ऊपर कौन बनेगा, सबसे ऊपर बना आर और सबसे नीचे बनेगा इसमें टी, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम देखेंगे क्यू से ऊपर कौन बनेगा, क्यू से ऊपर बनेगा इसमें पी और पी से ऊपर बनेगा वी, वो सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया पहला कि वी का रैंक फिफ्थ या फोर्थ होगा, तो देखिए अगर मैं फोर्थ नंबर पे वी को रखना चाहूं, ये सीक्वेंस आपने याद रखना कि वी के नीचे पी, पी के नीचे क्यू, क्यू क्यू और बी के बीच में पी का होना जरूरी है। अगर मैं इसको मैक्सिमम रखना भी चाहता हूं तो लोएस्ट रैंक बन सकता है बी का थर्ड, फोर्थ पे नहीं आ सकता, फिफ्थ पे ऑलरेडी क्यू है तो वहां पे भी नहीं आएगा, तो पहला तो आपका नहीं बनेगा। सेकंड देखिए आर का रैंक सेकंड या थर्ड है वो भी गलत बनेगा, क्यों, क्योंकि आर का रैंक फर्स्ट है। पी का रैंक सेकंड या फिफ्थ बनेगा, पी का रैंक फिफ्थ नहीं बन सकता, बट हम सेकंड रैंक को देखते हैं। तो देखिए पी से ऊपर वी है, अगर मैं इसको पी को रखना भी चाहूंगा तो थर्ड नंबर पे रख सकता हूं मैक्सिमम, ठीक है, सेकंड पे नहीं रख सकते क्योंकि इसके ऊपर कौन आएगा, वी, ठीक है। तो ये भी गलत बनेगा, इसका मीनिंग है कि यू रैंक थर्ड और फोर्थ। देखिए यू के रिगार्डिंग कोई कंडीशन नहीं थी, यू इधर भी आ सकता है, इस जगह पे भी आ सकता है, इस जगह पे भी, वो कहीं पे भी आ सकता है, तो ये आपका थर्ड या फोर्थ वाला ऑप्शन सही बनेगा।
ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है यहाँ पे हाइट के बारे में और वेट के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन बोला गया, ठीक है। जैसे कि सी इज टॉलर देन एफ एंड ई बट लाइटर देन बी, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन को यहाँ पे रखेंगे क्योंकि इसमें दो केसेस बनेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया इसमें कि या तो क्या होगा, बी होगा टॉलेस्ट और उस केस में ई होगा लाइटेस्ट। एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। सी इज टॉलर देन एफ, ये इंफॉर्मेशन है, तो आपने क्या करना, इस तरफ आपने कर दिया हाइट का और इस तरफ कर लेते हैं वेट, ठीक है। तो दो केसेस में आपको सामने यहां पे बना के बता देता हूं, फर्स्ट सेकंड। तो देखिए फर्स्ट इसमें बोला गया है कि सी इज टॉलर देन एफ, सी टॉलर है एफ से और ई से, ठीक है, बट लाइटर किससे है, बी से। यही जो होगा सी वो बी से नीचे आएगा, ठीक है, कहीं पे भी नीचे होगा। इसको अभी हम फिट नहीं कर पाएंगे, अभी इंफॉर्मेशन आपके सामने। ई इज टॉलर देन एफ, जहां पे ये सी जो था ई और एफ से टॉलर था, तो उसमें बताया गया नेक्स्ट पॉइंट कि ई टॉलर है एफ से, ई टॉलर है एफ से, तो इस सीक्वेंस में आएगा। और आगे बोला कि डी हैवीएस्ट है, मतलब हैवीएस्ट है तो सबसे पहले ये डी ही होगा, वेट में सबसे ज्यादा। ए इज टॉलर देन सी बट लाइटर देन सी, ए सी से टॉलर है पर यही ए सी से लाइटर भी है, ठीक है। आगे देखें, डी इज शॉर्टर देन बी एंड एफ इज हैवियर देन ई, डी शॉर्टर है बी से, डी छोटा है बी से, ठीक है। और आगे देखें, एफ इज हैवियर देन ई, एफ जो हैवियर है किससे, ई से, तो एफ हैवियर है ई से, आप इस तरह से लिखेंगे एफ इज हैवियर देन ई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि आइदर बी इज टॉलेस्ट एंड ई इज लाइटेस्ट, ये यहाँ पे केस दिया गया है, तो जिसमें बोला कि बी जिस केस में, जब उसमें कंडीशन में टॉलेस्ट होगा उसी कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें आगे क्या बोला गया कि बी इज टॉलेस्ट एंड ई इज लाइटेस्ट, ठीक है, ये पहला केस है, बी टॉलेस्ट है और उसी केस में क्या होगा, ई लाइटेस्ट बनेगा, ठीक है। बी टॉलेस्ट है तो उसके बाद क्या आएगा, इसमें आएगा ए सी ई और एफ। अगर हम डी की पोजीशन देखें तो वो फिक्स नहीं है, डी यहां पे कहीं पे भी बन सकता है। सेकंड केस देखिए इसमें, अगर हम यहां पे देखें, बोला गया है कि बी इज सेकंड शॉर्टेस्ट एंड एफ इज लाइटर देन ए, बी सेकंड शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट में अगर हम देखें तो ये चार पर्सन ऊपर आ जाएंगे, ए सी ई और एफ, और उसके केस में क्या बना, बी सेकंड शॉर्टेस्ट है, बी और डी को यहां पे प्लेस कर लो, ठीक है, और साथ ही साथ क्या बनेगा इसमें, एफ इज लाइटर देन ए, एफ जो होगा लाइटर होगा ए से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइटेस्ट है तो इसमें हम प्लेस कर सकते हैं, देखिए बी सी ए, बी सी ए और एफ जो होगा वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। सेकंड केस में क्या था कि बी जो है सेकंड शॉर्टेस्ट है और एफ लाइटर है ए से, तो देखिए इसमें आएगा बी सी ए और उसके नीचे एफ बनेगा, एफ और ई, ठीक है। तो इसके केस में देखिए दोनों ही शॉर्टेस्ट बन रहे हैं, तो उसमें क्या पूछा गया है कि इफ डी इज रैंक शॉर्टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट अमंग द सिक्स फ्रेंड्स, सिक्स फ्रेंड्स में टॉलेस्ट और हैवीएस्ट कौन सा बन रहा है। अगर इसमें डी शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट किस केस में आ रहा है, शॉर्टेस्ट आ रहा है सेकेंड केस में, तो उस केस में कौन बन रहा है, हैवीएस्ट ये बन रहा है और टॉलेस्ट ए बन रहा है, ठीक है। डी और ए जो होगा इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि इफ ई इज रैंक लाइटेस्ट, अगर ई का रैंक हो लाइटेस्ट, अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है कि हु इज टॉलेस्ट, तो ई का रैंक अगर लाइटेस्ट है तो लाइटेस्ट देखिए इसमें भी बन रहा है और इसमें भी, तो उस केस में पहले केस में बन रहा है टॉलेस्ट बी, सेकेंड केस में बन रहा है इसमें टॉलेस्ट ए, तो हमारे पास यहाँ पे आइदर और वाली ऑप्शन बननी चाहिए, ठीक है। देखिए पहले में ए है सेकेंड में बी है, तो क्या आएगा इसमें, आएगी ऑप्शन आपकी नन ऑफ दी ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन इसके स्टेटमेंट इनइक्वालिटी के। आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ चुका होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुके होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी पीडीए के माइक्रोवर्स के बारे में, माइक्रो कोर्सेज के बारे में। आप जो भी जो है स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक्स हैं
टॉपिक्स की फॉर्म में आप परचेज कर सकते हैं फ्रॉम अभीपीडिया, ठीक है। ये अभीपीडिया आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप जैसे कि हम एग्जांपल के लिए स्टेटमेंट इनइक्वालिटी टॉपिक ले रहे हैं, तो ये आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम अभीपीडिया, इसको परचेज कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। और इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।